बच्चों, आज हम कोशिका के वृहद अणु के अंतर्गत प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा पिछली कक्षा में, आज हम देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जीवों के शरीर में पाए जाने वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एमिनो अम्ल के बहुत सारे अणुओं के मिलने से बनते हैं। प्रोटीन शब्द की जो है प्रोटीन शब्द को सबसे पहले बर्जियस नाम के वैज्ञानिक द्वारा सन 1838 में बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक द्वारा सन 1838 में दिया गया था। प्रोटीन एक्चुअल में ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटीन, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटी ओ से मिलकर बना हुआ है। और इस प्रोटियोस का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ फर्स्ट या प्राइमरी, अर्थात प्रोटीन शब्द जो है प्रोटियोस से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट या प्राइमरी, अर्थात ऐसे कार्बनिक, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों के शरीर के लिए एक प्रथम यौगिक के रूप में, प्रथम अणु के रूप में आवश्यक होता है, ऐसे यौगिक को कहा गया है प्रोटीन। प्रोटीन की जो उसको देखें तो जीवों के शरीर की अधिकांश जो संरचनाएं हैं वो प्रोटीनस हैं, अर्थात प्रोटीन से बने हुए हैं। जैसे जीवों के शरीर के चारों ओर जो त्वचा है वो प्रोटीन से बना हुआ है, बाल प्रोटीन से बना हुआ है, नाखून प्रोटीन से बना हुआ है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि शरीर की संरचनात्मक घटक होता है प्रोटीन। इसलिए इसको बर्जियस नाम के वैज्ञानिक द्वारा प्रथम यौगिक के नाम से इसको प्रोटीन नाम दिया गया। ये जीवद्रव्य में भोज्य पदार्थों के माध्यम से, पोषण के माध्यम से जब हम प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तो उस प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन के पाचन होने से एमिनो अम्लों का निर्माण होता है या एमिनो अम्लों में वो अपघटित हो जाता है। यही एमिनो अम्ल जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं जीव के शरीर में जीव द्रव्य में खासकर या फिर केंद्रक के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, जैसे डीएनए और आरएनए, अर्थात डीएनए जो है उसका प्रोस्थेटिक समूह होता है और उसमें जो प्रोटीन होता है वो कहलाता है हिस्टोन। तो इस तरीके से ये जीवों के शरीर का महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसको प्रथम यौगिक कहा गया है। अब हम अगला देखते हैं प्रोटीन का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस इत्यादि परमाणु तत्वों के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जिनमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 50 से 55% होती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 20 से 24% होती है। फिर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 13 से 17% होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 7% होता है। फिर फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 0.3 से 0.5% होता है। इसके अलावा, इसको हम फास्फोरस लिख दें, फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा ये हो गई। इसके अलावा प्रोटीन में जो है आयरन भी होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। सॉरी, यहां पर ये जो फास्फोरस लिखे इसमें सल्फर की प्रतिशत मात्रा के रूप में इसको लिखते हैं 0.3%। फिर सल्फर इत्यादि परमाणु जो है उसके रासायनिक संगठन के रूप में प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। प्रोटीन एक्चुअल में एमिनो अम्लों के बहुलीकरण से बना हुआ यौगिक होता है। जो एमिनो अम्ल जो है आपस में जब संगुणित होते हैं या बहुलीकृत होते हैं तो दो एमिनो अम्ल में जब
दो एमिनो अम्ल आपस में जब मिलते हैं तो एक एमिनो अम्ल का एमिन समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से एक जल के अणु का निष्कासन होता है। देख लीजिए एमिनो अम्ल का रासायनिक सूत्र या रासायनिक संगठन हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन परमाणु जो है नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं जिसको हम एमिन समूह कहते हैं। यहाँ पर एक एल्किल मूलक और एक और हाइड्रोजन फिर ओ एफ एच इस यौगिक को कहा जाता है एमिनो अम्ल, जहां पर R जो है एल्किल मूलकों की श्रृंखला को दर्शाता है अर्थात एल्किल मूलक में CH3 भी हो सकता है या C2H5 हो सकता है या C3H7 हो सकता है। अब जब दो एमिनो अम्ल आपस में बहुलीकृत होंगे एन सी आर एच फिर सी डबल बॉन्ड ओ और एच एक हो गया दूसरा एच एच एन सी आर एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच ये दो एमिनो अम्ल हो गए। ये दोनों एमिनो अम्लों को जब आपस में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जल के एक कणु का निष्कासन होगा इस प्रकार से। तो जल के कणु निकल जाएगा यहाँ से, जो शेष बचा यौगिक है इसको हम जोड़ देते हैं एच एच एन सी आर एच सी डबल बॉन्ड ओ फिर एन एच सी आर एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच। यहां पर एक ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु का जल के निष्कासन न होकर हाइड्रोजन के अणु जो है और ऑक्सीजन बाहर से निकलेगा इस प्रकार से यहां से एक बंध बना, इस बंध को कहते हैं पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध तो बहुत सारे एमिनो अम्ल इसी प्रकार के पेप्टाइड बंधों से जुड़ते चले जाते हैं और वही पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है उसी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइड बंध के संख्या के आधार पर हम जो पेप्टाइड अणु होते हैं उन पेप्टाइड अणुओं को अर्थात ये जो अणु बना है पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए अणुओं को हम क्या कहेंगे पेप्टाइड अणु कहेंगे। ये पेप्टाइड अणुओं की संख्या पेप्टाइड बंध की संख्या के आधार पर ये पेप्टाइड अणु क्या क्या हो सकते हैं मोनोपेप्टाइड डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड मोनो पेप्टाइड दूसरा डाईपेप्टाइड तीसरा ट्राईपेप्टाइड और टेट्रा पेप्टाइड। इस प्रकार से बहुत सारे पेप्टाइड अणु हो सकते हैं और फिर अंत में हम लिख देते हैं पॉली पेप्टाइड। अब यहाँ पर मोनोपेप्टाइड किसे कहेंगे ऐसे पेप्टाइड अणु जिसमें एक ही पेप्टाइड बंध पाया जाता है पेप्टाइड बंध को हम लिख सकते हैं सी ओ एन और एच। इस तरीके से एक अणु बना इसको कहते हैं पेप्टाइड अणु सॉरी पेप्टाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध यदि एक है तब वो कहलाएगा मोनोपेप्टाइड, यदि दो पेप्टाइड बंध है तो कहलाएगा डाईपेप्टाइड, यदि तीन पेप्टाइड बंध है तो कहलाएंगे ट्राईपेप्टाइड, फिर चार है तो टेट्रापेप्टाइड और चार से अधिक है अर्थात बहुत सारे पेप्टाइड अणु हैं पेप्टाइड बंध है तो उस कंडीशन में वो कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइडों की जो श्रृंखला को ही हम किस नाम से जानते हैं प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन का एक सामान्य सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। अभी हमने एक सूत्र देखा एच एच एन सी आर एच फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी आर एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच। यहां पर यदि हम एन लिख दें तो यहां पर एन इज इक्वल टू
100 से ऊपर, मतलब 100 से ऊपर यदि एन परमाणु की संख्या है, अर्थात पेप्टाइडों की संख्या यदि 100 से ऊपर है, तो उस अणु को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अर्थात जो प्रोटीन के जो एकलक होते हैं वो एकलक एमिनो अम्ल कहलाता है। ये एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करके पेप्टाइड बंध का निर्माण किए, और पेप्टाइड बंध को, पेप्टाइड जो अणु होते हैं उनके बहुलीकरण से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को कहा जाता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन अणु बना हुआ है, जो प्रोटीनेश जो प्रोटीन अणु बना हुआ है या फिर जो एमिनो अम्ल होते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो समूह होते हैं, एक एमिन समूह और दूसरी ओर कार्बोऑक्सिलिक समूह। ये जो एमिन समूह का जो नेचर होता है वो क्षारी होता है, और जो कार्बोऑक्सिलिक समूह का जो नेचर है वो अम्ली होता है। इस प्रकार से इसमें अम्लीयता और क्षारीयता का सम्मिश्रण रहता है। अब यहाँ पर जो पेप्टाइड अणु बना हुआ है, इस पेप्टाइड अणु के संरचना, मतलब प्रोटीन में जो उपस्थित जो पेप्टाइड अणु जो है किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, उसके संरचना के आधार पर जो प्रोटीन की संरचना है, प्रोटीन की संरचना है ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। प्रोटीन की जो संरचना है वो चार प्रकार के, प्रोटीन की प्राथमिक संयोजक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, दूसरा द्वितीयक संरचना, तीसरा तृतीयक संरचना, और चौथा चतुष्थक संरचना। इस प्रकार प्रोटीन में उपस्थित जो पेप्टाइड अणु हैं उनकी श्रृंखला के आधार पर या उनकी संरचना के आधार पर जो प्रोटीन की जो संरचना होती है मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। जो प्राथमिक संरचना होते हैं इसमें जो पेप्टाइड अणु जो होते हैं एक सीधे श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध होकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए उनकी जो संरचना होती है वो सिंपल होती है, इसलिए उस संरचना को कहा जाता है प्राथमिक संरचना। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण ले सकते हैं इंसुलिन, एक बहुत सरल प्रोटीन होता है जो 51 एमिनो अम्लों से, 51 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ये 51 एमिनो अम्ल जो है एक श्रृंखला में नहीं रहते बल्कि इनकी दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक 21 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला और 30 एमिनो अम्ल की, एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला। इस प्रकार से दो श्रृंखलाएं बना लिया, दोनों मिला के कितने हो गए एमिनो अम्ल? 51 एमिनो अम्ल। ये 51 एमिनो अम्ल आपस में मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण किए जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ पाया जाता है ये भी हमें मालूम है, हमारे शरीर में जो अग्नाशय पर लैंगरहंस अपदीप कोशिकाएं हैं उनके द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, उसी हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन, जिसका कार्य होता है शरीर में उपस्थित, शरीर के जो रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को हटाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके रखना। तो ये जो एमिनो अम्ल है एक सरल प्राथमिक एमिनो अम्ल का उदाहरण है जो 51 एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी दो श्रृंखलाएं हैं, एक तो 21 एमिनो अम्लों की और दूसरा 30 एमिनो अम्लों की। फिर हम देखते हैं दूसरा द्वितीयक संरचना। तो जो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है, ये संरचना में बहुत सारे जो प्राथमिक एमिनो अम्ल जो हैं आपस में श्रृंखला बनाते हैं, इस प्रकार के जो साखित श्रृंखला या वलन वाले जो श्रृंखला युक्त जो प्रोटीन की जो संरचना होती है उसको प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहा जाता है, जबकि इसकी संरचना जो है सिंपल सा है, सिंपल सा अर्थात प्राथमिक संरचना में ये जो है आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा इस प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे, थ्री डबल बॉन्ड ओ एन एच
एन एच सी आर एच सी डबल बॉन्ड ओ आर एच, यहाँ पर हम कर दें होल एन, तो ये जो एक सीधी श्रृंखला हो गई, ये सीधी श्रृंखला युक्त जो यौगिक होगा वो प्राथमिक संरचना का होगा, और इस प्रकार यही श्रृंखला जो है ये वलित हो जाए, मतलब वलन के रूप में किसी जीव के शरीर में उपस्थित हो या उनके कोशिकांगों में उपस्थित हो तो वो कहलाता है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। फिर हम देखते हैं तीसरा, प्रोटीन की तृतीयक संरचना। तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होता है इसमें ये जो वलन है ये अधिक ज़्यादा वलयित हो जाते हैं और वलयित होकर वलयित संरचना का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाता है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। फिर लास्ट में है चतुष्टक संरचना। तो चतुष्टक संरचना में बहुत सारे जो तृतीयक संरचनाएं जो हैं आपस में वलयित होकर इस प्रकार से श्रृंखला बनाते हैं, इस प्रकार के जो प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है संरचना होती है इसको कहा जाता है प्रोटीन की चतुष्टक संरचना। इस प्रकार से मुख्य रूप से जो प्रोटीन होते हैं वो उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो चार भागों में बटे हुए हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो है दो घटक है, एक तो हीम और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन। तो इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है इसकी जो संरचना होती है वो चतुष्टक प्रकार की होती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो अंतःकरण में एक प्रोटीन पाया जाता है, मनुष्य के जो कर्ण है बाह्य कर्ण और दूसरा होता है मध्य कर्ण, अंतिम जो भाग कहलाता है अंतःकरण। इस अंतःकरण में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होता है इसको कहते हैं माइको ग्लोबिन। ये माइक्रोग्लोबिन की जो संरचना भी चतुष्टक संरचना होती है, अर्थात इसकी जो वलनों की संख्या इसमें अधिक होता है और ये जटिल होता है। ये माइक्रोप्रोटीन इस प्रकार की संरचना निर्मित करता है हमारे अंतःकरण में, जो एक प्रकार से वो भूल भुलैया मेम्ब्रेनस जो वो बनते हैं लेबरिंथ बनते हैं, वो भूल भुलैया के जैसे एक स्थान से आवाज जो है जब प्रविष्ट होता है अंतःकरण में तो वो कर्ण में के अंदर ही गूंजता रहता है। तो वो जो है किस प्रोटीन से बना हुआ है, माइक्रोग्लोबिन प्रोटीन से। अब हम देखते हैं अगला प्रोटीनों का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण। तो जो प्रोटीन का वर्गीकरण जो है प्रोटीन की संरचना के आधार पर और उसमें उपस्थित प्रोटीन के अणु की संरचना के आधार पर और दूसरा उस अणु में उपस्थित जो रासायनिक संगठन के आधार पर, इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक पहला वर्गीकरण, पहला आधार अणु की संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ये पहला आधार हो गया। तो अणु की संरचना के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो तंतुवर्त प्रोटीन या इसी को कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। पहला प्रोटीन क्या हो गया, तंतुवत प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो जल में अविलेय होते हैं जिसमें रेशेदार मतलब जिनकी संरचना जो है फाइबर्स के नुमा या फिर धागे के नुमा, बहुत सारे धागे के नुमा जो है पाए जाते हैं, उन प्रोटीनों को हम कहते हैं तंतुवत प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। जैसे मायोसिन, ये मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हमारी जो मसल्स होते हैं मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए जो जिम्मेदार जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं मायोसिन। इसी प्रकार फाइब्रिन, फाइब्रिन ये फाइब्रिन जो है हमारे रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है मनुष्य में, है ना, रक्त कोशिकाओं में अर्थात आरबीसीस में होता है, जब रुधिर में पाया जाता है, जब रुधिर का थक्का बनता है तो उसी समय यही फाइब्रिन जो है एक जाल बनाता है जिससे रुधिर का बाहर बहना बंद हो जाता है। तो ये इन प्रोटीन्स के जो नेचर होता है मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो तंतुवत होती है, मतलब इस अणु की जो संरचना होता है वो धागे के समान या बहुत सारे तंतुओं के समान पाया जाता है, इस कारण इनको
तंतुवत प्रोटीन कहा गया है। फिर दूसरा है गोलाकार प्रोटीन्स, गोलाकार प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन जिसके अणु की संरचना जो है गोलाकार होता है या फिर अंडाकार होता है। अणु की संरचना या तो गोलाकार होता है या फिर अंडाकार होता है, ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं गोलाकार प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है तंतुवत प्रोटीन से अधिक जटिल होते हैं और जल में अविलेय होते हैं, इसलिए इन प्रोटीनों को गोलाकार प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है ना, अंडे में पाया जाने वाला एल्बुमिन एक गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है जो जल में अविलेय है। तो इस प्रकार ये जो अणु की संरचना के आधार पर जो प्रोटीन हो गए वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए। अब हम दूसरा आधार देख लेते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। प्रोटीन के अणु में उपस्थित रासायनिक संगठन किस प्रकार का है, इस आधार पर ये जो प्रोटीन होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल प्रोटीन, दूसरा जटिल प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। या ये जो जटिल प्रोटीन है इसको हम संयुग्मी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के, सरल प्रोटीन, संयुग्मी या फिर जटिल प्रोटीन और फिर व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आप सरल प्रोटीन किसे कहेंगे? ऐसे प्रोटीन्स जिनकी संरचना जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, जो एमिनो अम्लों के श्रृंखला से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं सरल प्रोटीन्स। ये सरल प्रोटीन्स के अंतर्गत जैसे इंसुलिन हो गया और श्रृंखलाबद्ध प्रोटीन है, इसी प्रकार प्रोलैक्सिन हो गया, फिर एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गया, फिर ग्लूटेनिन हो गया, ऐसे प्रोटीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? सरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। फिर जो रक्त सीरम होते हैं उसको, रक्त सीरम में पाए जाने वाले जो एल्बुमिन्स होते हैं उसको सीरम एल्बुमिन्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हाइड्रीन है, ग्लाइडीन है, ये सब किसके उदाहरण है? सरल प्रोटीन्स के। दूसरा देखते हैं संयुग्मी प्रोटीन्स। तो संयुग्मी प्रोटीन्स किसको कहेंगे? ऐसे प्रोटीन्स जो जिसमें एक विशेष प्रकार के समूह पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। और दूसरा पाया जाता है इसमें एमिनो अम्लों की श्रृंखला, एमिनो अम्लों की श्रृंखला। तो ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे संयुग्मी। संयुग्मी का अर्थ ही होता है संयुक्त होना, संयुक्त होना अर्थात इसमें प्रोस्थेटिक समूह जो है हमेशा जुड़ा रहता है, तब वो प्रोटीन कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं, हम लेते हैं न्यूक्लिक या न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है डीएनए या फिर आरएनए, और दूसरा होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन सरल प्रोटीन हो गया और इसमें प्रोस्थेटिक समूह जुड़ गया डीएनए या आरएनए या फिर नाभिकीय अम्ल, इस कारण ये कहलाता है न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर संयुग्मी प्रोटीन। मतलब संयुग्मी प्रोटीन इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक समूह ये जुड़ रहा है। तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो ये जो संयुग्मी प्रोटीन के अंतर्गत हम एक उदाहरण लिख लिए न्यूक्लियो प्रोटीन का। अब इसी में संयुग्मी प्रोटीन के अंतर्गत हम दूसरा प्रोटीन देख लेते हैं, ग्लाइको प्रोटीन। दूसरा ग्लाइको प्रोटीन, ये ग्लाइको प्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के
के रूप में कार्बो हाइड्रेट्स उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर लाइपोप्रोटीन, लाइपो प्रोटीन किसे कहेंगे, ऐसे प्रोटीन जिसमें एमिनो अम्लों श्रृंखला के साथ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लिपिड जो है प्रोस्थेटिक समूह के रूप में उपस्थित होता है। एमिनो अम्लों श्रृंखला रहेगा, उस एमिनो अम्लों श्रृंखला में लिपिड के अणु जो है जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है लाइपोप्रोटीन। इसी प्रकार फॉस्फो प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल विद्यमान होता है, तो उस प्रोटीन को कहेंगे फास्फो प्रोटीन। फिर अगला क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन किस प्रोटीन को कहेंगे, ऐसे प्रोटीन जिसमें रंग उत्पन्न करने वाले वर्णक के साथ एमिनो अम्लों के जो समूह है वो जुड़ा रहता है, अर्थात एमिनो अम्लों की श्रृंखला प्लस रंग उत्पन्न करने वाले वर्णक, ये आपस में मिलकर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्रोटीन, अर्थात इसमें वर्णक जो है प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीनों को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है किसके उदाहरण हो गए, संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हो गए। अब हम तीसरा देख लेते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। जब सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन को आपस में क्रिया करा जाता है तो उनसे जो नया अणु तैयार होता है या नया प्रोटीन तैयार होता है उन प्रोटीनों को हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। जैसे इंसुलिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, इंसुलिन फाइब्रिन, ये जो है इंसुलिन मनुष्य के अग्राशय की जो है लिंगर रसा द्वीप कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट होता है, और फाइब्रिन जो है रुधिर में पाया जाता है जिसके कारण जिसके द्वारा रक्त का थक्का बनता है। तो इस प्रकार से ये हो गए प्रोटीन का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, तो सबसे पहले प्रोटीन के कार्य के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जीवों के शरीर का संरचनात्मक घटक होता है, अर्थात जीवों के शरीर का जो संरचना जो है किसके द्वारा बना हुआ है, प्रोटीन के द्वारा बना हुआ है। जैसे पहले मैं बताया था कि आपके शरीर में जो बाल है, नाखून है, त्वचा है, शरीर में जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं और जो उपास्थियां हैं, ये सब के सब किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, अर्थात इसका ये महत्वपूर्ण घटक हो गया। फिर जो प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम्स के रूप में शरीर में पाए जाते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में जो पाचक ग्रंथियों के द्वारा या फिर शरीर में उपस्थित जो प्रकीर्ण जितने भी बनते हैं, वो सारे प्रकीर्ण जो होते हैं या सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीनस हैं, अर्थात जितने भी एंजाइम हमारे शरीर में सीक्रेट किए जाते हैं, चाहे वो श्वसन से संबंधित एंजाइम्स हो, चाहे वो पोषण से संबंधित एंजाइम्स हो या फिर किसी जैविक क्रिया से संबंधित एंजाइम हो, वो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते। अब फिर हम जानते हैं इस एंजाइम्स का या प्रकीर्ण का कार्य होता है जैव उत्प्रेरक की तरह, मतलब उत्प्रेरक किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है और अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उनको कहते हैं उत्प्रेरक। चूंकि ये जीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है जैव उत्प्रेरक। फिर हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, ये हार्मोन्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। मतलब हार्मोन्स भी किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन सभी हार्मोन्स जो है प्रोटीनस हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है हार्मोन्स नहीं है। हार्मोन्स शरीर की जो क्रियाशीलता को एक्टिव करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। फिर हमारे शरीर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां, इन मांसपेशियों में विशेष प्रकार के संकुचन और शिथिलन होता है,
इसी संकुचन और शीतलन के कारण, और ये मांसपेशियां जो है हमारे शरीर की जो में शरीर में उपस्थित जो पेशियां होती है सॉरी अस्थियां होती है उनके साथ चिपके हुए होते हैं और उनमें विशेष संकुचन और शीतलन अर्थात मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन होता है, इस कारण जीवों में प्रचलन होता है। तो प्रचलन के लिए विशेष प्रकार के जो प्रोटीन जिम्मेदार होता है जैसे मायोसिन, जो कहाँ पे पाया जाता है मांस पेशियों में। इसी प्रकार प्रोटीन जो होते हैं वो परमियेसिस के रूप में जीवों की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। फिर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन शरीर के जो मसल्स होते हैं मांसपेशियां हैं इसको संकुचित और शिथिल होने में कार्य मदद करते हैं। फिर थ्रॉम्बिन फाइब्रोजन, थ्रॉम्बिन और फाइब्रिनो जन, ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रुधिर के थक्का बनाने में, रक्त के थक्का बनाने में जो है मदद करते हैं। फिर शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। फिर हमें भी मालूम है कि जो प्रोटीन होते हैं वो जीवों के शरीर के चारों ओर जो कोशिका पाया जाता है उस कोशिका सॉरी जीवों के शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उस कोशिका का जो बाह्य आवरण अर्थात जो प्लाज्मा झिल्ली बना हुआ है वो प्लाज्मा झिल्ली भी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे कार्य हैं प्रोटीन के। अब हम देखते हैं अगला न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिस्टर नाम के वैज्ञानिक द्वारा सन 1869 में जीव के शरीर की केंद्रक में एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ का जो है खोज किया गया था। उस रासायनिक पदार्थ को फ्रेडरिक नाम के वैज्ञानिक द्वारा नाम दिया गया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पदार्थ जो है किस में मिला था, न्यूक्लियस में मिला था या केंद्रक में मिला था। कालांतर में अल्टमान नाम के वैज्ञानिक द्वारा सन 1899 में इसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया गया। न्यूक्लिक अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जो केंद्रक के अंदर जो है पाया जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूक्लिक अम्ल। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा क्या है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मुख्य रूप से जीवों के शरीर की केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अभी जो न्यूक्लियो प्रोटीन है उसमें प्रोस्थेटिक समूह क्या पाया जाता है, डीएनए या फिर आरएनए, और इसके साथ जुड़ा रहता है प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर हम ये देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा। तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस से मिलकर बने हुए होते हैं जिनके आणविक संरचना होता है बहुत जटिल होता है या बहुत जटिल संरचना वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। चूंकि ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं या केंद्रक में पाया जाता है इस कारण इनका नाम पड़ा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्लों की संरचना। न्यूक्लिक अम्लों की संरचना, यदि हम न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करें तो न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करने पर पहले स्टेप में न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करें तो पहले स्टेप में ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियो टाइट्स में टूटता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। दूसरा स्टेप में इन न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियो
टाइट्स को यदि पुनः जल अपघटित किया जाए तो ये जो है क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो साइट्स और दूसरा फास्फोरिक अम्ल। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक अम्ल। अर्थात ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। तीसरा स्टेप में हम देख लेते हैं जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं इनका जल अपघटन किया जाता है तो ये न्यूक्लियोसाइड्स जो है जल अपघटित होकर पेंटोज सुगर, जिसमें दो प्रकार के सुगर होते हैं, एक तो राइबोस सुगर और दूसरा डी ऑक्सी राइबोस सुगर, दो प्रकार के सुगर में जो है अपघटित हो जाते हैं, प्लस यहां बनाते हैं नाइट्रोजनी क्षार। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियोसाइड जो है किन से मिलकर बने हुए हैं, पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनी क्षारों से। अब ये पेंटोज सुगर फिर से कितने प्रकार के हो गए, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो राइबोस सुगर और दूसरा डी ऑक्सी राइबोस सुगर, या इसको हम लिख सकते हैं शर्करा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के शर्करा हो गए। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। तो इनकी संरचना देख लेते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। ये नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन, ऐसे नाइट्रोजनी क्षार जिसमें दो रिंग संरचना पाया जाता है, मतलब दोहरी रिंग संरचना पाया जाता है, उसको कहते हैं प्यूरिन क्षार। इसके अंतर्गत दो क्षार आते हैं, एक तो एडिनिन और दूसरा गुआनिन। एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। ये दो ऐसे क्षार होते हैं जिसमें दो रिंग संरचना पाया जाता है, मतलब दो रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें एक हो गया एडिनिन और दूसरा हो गया ग्वानिन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है एडिनिन को ए और ग्वानिन को जी से। दूसरा पिरिमिडिन, पिरिमिडिन बेस। तो ये ऐसे क्षार होते हैं जिसमें एक रिंग संरचना पाया जाता है, एक रिंग संरचना पाया जाता है, इनको कहा जाता है पिरिमिडिन। इसके अंतर्गत तीन नाइट्रोजिनस बेस आते हैं, एक तो थायमिन जिसको डिनोट किया जाता है टी से, दूसरा साइटोसिन जिसको डिनोट किया जाता है एस से, और तीसरा यूरेसिल जिसको डिनोट किया जाता है यू से। अर्थात थायमिन को टी से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन को एस से प्रदर्शित करते हैं और यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं। अब जब डीएनए और आरएनए की बात होती है तो इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होंगे, जैसे डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, ये तो दोनों होंगे ही, साथ में थायमिन और साइटोसिन। ये चार नाइट्रोजिनस बेस यदि न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित हैं, तो अणु क्या कहलाएगा, डीएनए। और यदि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चार नाइट्रोजिनस बेस यदि उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में मौजूद है तब वो कहलाएगा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार से दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करते हैं, एक हो गया डीएनए और दूसरा हो गया आरएनए।
अभी जो पेंटोसुगर होते हैं ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पहला RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा DNA, इसको कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हो गए। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स भी, इनको जो नाइट्रोजनस बेस के आधार पर पांच प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। वो पांच प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, यदि एडनिन क्षार जुड़ा हुआ है तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो कहलाएगा, जैसे हम राइबो से लिख देते हैं, राइबो शुगर प्लस एडिनिन प्लस फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे, एडी नीलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडीनिलिक एसिड या राइबो एडीनिलिक एसिड। हम इसको लिख सकते हैं राइबो एडीनिलिक एसिड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया जो किससे बना हुआ है, कौन से नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है, एडनिन से। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड अणु में क्या क्या होंगे, एक तो पेंटो शुगर होगा, पेंटो शुगर में या तो राइबो शुगर हो सकता है या फिर डी ऑक्सी राइबो शुगर हो सकता है। फिर एक नाइट्रोजनस बेस जो है चार हैं, उसमें से कोई एक हो सकता है, जैसे एडनिन हो गया, या सॉरी पांच नाइट्रोजनस बेस है उसमें, जैसे एडनिन हो गया तो ये कहलाएगा एडीनिलिक एसिड, यदि यहाँ पर ग्वानिन होता तो कहलाता वो ग्वानोनिलिक एसिड, यदि यहाँ पर साइटोसिन हो तो कहलाएगा साइटोडिलिक एसिड, और यदि यहाँ पर यूरेसिल हो तो यूरेडिलिक एसिड कहलाएगा। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का नाम यहाँ पर बदलता जाएगा। जैसे दूसरा और देख लेते हैं, राइबोस शुगर प्लस ग्वानिन प्लस फास्फोरिक एसिड, ए आपस में मिलकर कहलाते हैं ग्वानो नीलिक अम्ल, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का नाम हो गया। इसी प्रकार साइटोसिन से बनेगा ग्वानिन से, थायमिन से बनेगा यूरेसिल से बनेगा यूरेडिलिक एसिड। अब हम देखते हैं डीएनए में जो नाइट्रोजनस जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका नाम। डीएनए में जो वो पाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका नाम, जैसे डी ऑक्सी राइबो शुगर प्लस एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, ये आपस मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाया, ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा डी ऑक्सी राइबो एडीनिलिक एसिड, एडीनिलिक एसिड। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम एडनिन के स्थान पर थायमिन को रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज थायमिडिलिक एसिड। यहाँ पर यदि हम साइटोसिन रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा नाम डीऑक्सी राइबोज साइटोडिलिक एसिड। यदि यहाँ पर ग्वानिन रखते हैं तो ग्वानोनिलिक एसिड। इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसी का बहुलीकरण कराया जाए, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका बहुलीकरण कराया जाए तो उसी से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो श्रृंखला होती है वो श्रृंखला कहलाता है डीएनए।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और फिर जो बाकी जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस हैं, उनकी उपस्थिति वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका बहुलीकरण कराएं, उनका डबल स्ट्रैंड श्रृंखला बनाएं, तो अणु कहलाएगा डीएनए, और राइबो सुगर वाले जो है वो कहलाता है आरएनए। अब इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है, डीएनए जो आरएनए जो होता है वो सीधी श्रृंखला वाली होती है और सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गई न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके अगले घटक को आप अगली कक्षा में अगले दिन पढ़ेंगे। आज आपने कोशिका के वृहद अणु के अंतर्गत प्रोटीन की परिभाषा, उसके रासायनिक संगठन, प्रोटीनों का वर्गीकरण, प्रोटीनों के कार्य और फिर न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।